अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जा रही हूँ जो आज अपनी फ्रेंड के घर। तो आज अपनी फ्रेंड के घर का व्लॉग है, उसका घर उसने न्यू लिया है, तो उसके घर का भी आपको विज़िट करवाऊँगी। और मॉडल सिटी में घर है, तो आपको मॉडल सिटी का भी थोड़ा बहुत अगर हो सके तो विज़िट ज़रूर करवाऊँगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। लेंगे फ्रेंड, गाड़ी में बैठ रहे हैं, लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और तो जी फ्रेंड्स, हम मॉडल सिटी पहुंचने वाले हैं। और ये सारी इस साइड पे और इस साइड पे सारी वैलीज है, शॉप्स और बाजार है, यानी कि ईडन वैली भी यहाँ पे है, वो गालिब सिटी और उधर गालिब सिटी है मेरे ख्याल से। ये देखिए जी, नज़र आ रहा है गालिब सिटी का बोर्ड है, और लेफ्ट साइड पे मॉडल सिटी का बोर्ड आएगा। और फ्रेंड ये है जी मॉडल सिटी, ये मॉडल सिटी का बाइट से बोर्ड है, और ये जी मॉडल सिटी है अंदर से। ये है जी फ्रेंड मॉडल सिटी, साफ सुथरी लोकेशन। और ये इधर सारे घर बने हुए हैं, इधर भी हैं। बी ब्लॉक में कौन सा जी? ये फ्रेंड मेरी का घर है, तो अब हम जी घर के अंदर एंट्रेंस। और फ्रेंड ये जी बाइट से बाहर की लुक है सारे घर की। और ये जी इनका एरिया, आगे से जो वॉल है, गली जो इनकी सड़क है वो बंद है। चलें जी घर के अंदर एंट्रेंस लेते हैं। तो सबसे पहले गराज आ जाता है, बड़ा खूबसूरत सा, और मैं आपको सारा घर अब विज़िट करवाने लगी हूँ। इधर पाउडर वाशरूम है और इस साइड पर, और साथ में ये विंडोज़ ड्राइंग रूम की लगी हुई है, ड्राइंग रूम की खिड़की है, और ये सेप्टर से ऊपर जाने वाली स्टेट्स का दरवाज़ा है। ठीक है, चलो जी एंट्रेंस लेते हैं। तो ये सबसे पहले इनका टीवी लाउंज है, और बड़ी प्यारा और बड़ा खुला बना हुआ है। ठीक है, ये 5 मरला हाउस है, और ये जी ऊपर छत की सीलिंग वगैरह बड़ी खूबसूरत की हुई है, तो घर काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है मेरी फ्रेंड ने। इसके बाद जी हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। तो ये जी ड्राइंग रूम है, और ब्लू कलर में इन्होंने ड्राइंग रूम की थीम दी हुई है। और ये जी ड्राइंग रूम के कर्टन और विंडोज़ और डोर्स वगैरह, आप बाहर से भी आ सकते हैं, और दो इसके डोर्स दिए गए हुए हैं। और ये जी ड्राइंग रूम के अंदर फ्लोर कुशन वगैरह रखे हुए थे। फिर जी इसके बाद हम टीवी लाउंज के साथ ही ओपन किचन दिया गया है। ये जी इन्होंने टीवी लाउंज में हैंड वॉश करने के लिए दिया हुआ है, कि अगर आप अपने हाथ वगैरह वॉश करना चाहें तो वो है। तो ये जी किचन है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा किचन दिया गया हुआ है, और ये जी किचन की सारी लुक है। तो चलें जी इसके बाद अब किचन का, अंदर ही फ्रिज है, किचन खुला है, और बाहर इसका डोर नहीं है, एक ओपन किचन है। ये जी रूम है, रूम में काफ़ी यानी कि कुछ बैठे हुए थे, तो इस वजह से फुल रूम की वीडियो नहीं बना सकी। ये जी बड़ा वॉशरूम है, वॉशरूम बड़ा और फुल साइज़ का बनाया गया हुआ है, और अंदर ही इसके अंदर कबर्ड भी, जो क्लॉथ वाली कबर्ड्स है वो भी अंदर ही दी गई हुई है, और साथ में ही और बड़ा और खुला वॉशरूम है। 5 मरला हाउस में इतने बड़े वैसे वॉशरूम होते नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर वॉशरूम है। ये सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी कबर्ड दी गई हुई थी, तो चलें जब ऊपर चलते हैं। तो वॉलपेपर बड़े प्यारे लगे हुए हैं, माशाल्लाह से घर बहुत ही खूबसूरत है। और ये जी ऊपर का टीवी लाउंज है, और बड़ा प्यारा और खुला टीवी लाउंज ऊपर का बनाया गया हुआ है, और ऊपर 2 बेडरूम है। चलें अब दोनों बेडरूम का आपको मैं विज़िट करवाती हूँ। तो ये एक बेडरूम है, और बड़ा खुला बेडरूम बना हुआ है ये बेडरूम, और इसके साथ इसका वॉशरूम वॉलपेपर लगे हुए हैं। और ये जी मैं हूँ, और तो अब चलें जी इनका वॉशरूम भी चेक करती हैं। सेम नीचे के वॉशरूम की तरह है, अंदर ही क्लॉथ वाली कबर्ड्स अंदर ही हैं, और साथ में बिल्कुल जिस तरह का सेम नीचे मास्टर बेडरूम के साथ बड़ा वॉशरूम है, इसी तरह का ऊपर भी इस तरह बड़ा मास्टर बेडरूम के साथ मास्टर ही वॉशरूम दिया गया हुआ है। तो अब चलें जी फ्रेंड नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। तो ये जी एक और रूम है, और ये भी बड़ा और मास्टर बेडरूम है, इसके साथ भी वॉशरूम है, और ये भी
बड़ा प्यारा रूम डेकोरेट किया हुआ है, और इसकी जो कबर्ड्स वगैरह है क्लोथ वाली वो बाहर की तरफ है। वॉशरूम इसका छोटा बना हुआ है, तो छोटा भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो ये जी सारा वॉशरूम है, इसके साथ जी ये जो कबर्ड है ये बाहर की तरफ रूम के अंदर दी गई हुई है, 3 डोर कबर्ड है। और इसके बाद जी ये जी स्टोर रूम है, आप स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही टेरेस है, तो टेरेस भी काफ़ी बड़ा दिया गया हुआ है, और उसके साथ ही आपको बाहर का सारा व्यू नज़र आ रहा है। बच्चे इधर इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये जो ऊपर छोटा एक किचन दिया गया हुआ है, और ये छोटा सा मिनी सा किचन है, और उसके बाद वॉशिंग वाली बाहर की तरफ लॉन्ड्री वगैरह दी है, और ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और लें जी फ्रेंड, घर आ चुकी हूँ, और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और जी फ्रेंड आई, और आपको मेरी दोस्त का भी घर अच्छा लगा होगा। और तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।